thank you एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल ऑर्डिंग वेल आज का जो वीडियो है वो है अमेज़ॉन हॉल पे जिसमें मैं आपको मैक्सी ड्रेस और ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो भी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल रेंज में हैं और इस टाइम मेगा फ़ैशन डे सेल चल रही है अमेज़ॉन पे तो ये बेस्ट टाइम इस टाइम परचेस करने का तो जो भी चीज़ आपने विश लिस्ट करी हुई है या जो भी चीज़ आपको इस वीडियो में पसंद आ रही है तो आप उसे एड टू कार्ट करके परचेज़ कर सकते हो तो बात करते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट की जो कि है ये कॉर्ड सेट ये कॉर्ड सेट बहुत ब्यूटीफुल है इसमें इस तरीके का एक टॉप दे रखा है जो कि फुल स्लीव्स है और इसमें इस तरीके का स्ट्राइप पैटर्न है इसमें टर्टल नेक दे आ, दे रखा है टॉप में इसमें नीचे जो स्कर्ट दे रखी है वो पेंसिल स्कर्ट दे रखी है तो एक पूरा कॉर्ड सेट है जिसमें आपको मतलब बहुत कम्फर्टेबल रहेगा और इसमें दो वेरियंट और हैं जिसमें अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन दे रखा है इस जो फैब्रिक में ना एक अलग सी एक शाइन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और इसमें इसको आप एज़ अ पार्टी वेयर भी पहन सकते हो अगर आप ऑफिस जाते हो वहाँ वेयर कर सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल है स्किन भी ज़्यादा शो नहीं हो रही है सिर्फ लेग्स आपके आधे शो होंगे अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है इसमें लास्टिक पैटर्न दे रखा है स्कर्ट में तो पहनने के बाद ही कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है मैंने इसको काफ लेंथ बूट्स के साथ पेयर किया है जो कि नीच से नीचे तक एंड हो गए हैं और ये इस जो स्कर्ट है ये बिल्कुल मुझे अपर हाई वेस्ट तक आ रही है और इसमें जो टॉप है वो भी मुझे कंफर्टेबल है मैंने इसमें साइज़ स्मॉल लिया है आपको सेवन नाइनटीन की मिलेगी एंड गाइज मेरा तरीका नहीं बदला है आ, कपड़े शो करने का काफ़ी कमेंट मैंने अपनी लास्ट वीडियो पर देखे एक्चुअली मैं अपने घर आई हुई हूँ यहाँ पर ऐसा कोई जगह ऐसी है नहीं जिसमें मैं सामने खड़े होकर प्रॉपरली वीडियो बना लूँ इस वजह से अब मैं अपने घर वापस जाऊँगी तो नेक्स्ट मंथ से आपको प्रॉपर वीडियो उसी तरीके से मिलेगी जैसे मैं हमेशा से आपको दिखाती थी तो इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने पड़ेगा इस महीने ये लास्ट वीडियो जिसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है बाकी ये जो कार्ड सेट है फ्रंट से जैसा ऐसी बैक से है क्योंकि पूरा बंद है आगे से गला पीछे से गला बिल्कुल सेम है तो जैसा आपको फ्रंट से दिख रहा है इसका लुक पीछे से भी बिल्कुल वैसा ही है बहुत प्यारा है मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी और मैंने अभी इससे पहले भी एक वीडियो डाली है परसों जिसमें मैंने मैक्सी ड्रेस और ड्रेसेस दिखा रखी हैं पार्टी वेयर वो भी बहुत अच्छा हॉल है अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसको चेकआउट कर लेना मैं उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दूँगी तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है ये नैद्रा मैक्सी ड्रेस आ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें इसका जो पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एक्चुअली इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है नॉर्मली हर स्किन टोन पे ये वाला जो मस्टर्ड येलो कलर है सूट करता है इसकी स्लीव जो हैं उसमें अंदर लाइनिंग नहीं है काफ़ी कम्फर्टेबल है और इस तरीके की ये मैक्सी ड्रेस है प्रिंट इसमें ऑल ओवर दे रखा है फ्रंट बैक और स्लीव पे और इसमें अंदर लाइनिंग भी दे रखी है येलो कलर की पीछे से इसका नेक बिल्कुल बंद है आगे से हल्का सा वी शेप दे रखा है तो इस तरीके का इसका पैटर्न है आप देख सकते हो जैसा मॉडल पे आपको साइड में दिख रहा है वैसा ही बिल्कुल एक्जैक्ट ये मुझे रिसीव हुआ है इसमें मैंने अपना साइज स्मॉल परचेज़ किया है स्मॉल के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया ना है ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है आपको ये वन में मिलेगा इसका जो फैब्रिक है वो शिफॉन है और शिफॉन के अकॉर्डिंग और इसके प्रिंट के अकॉर्डिंग और इसके लुक के अकॉर्डिंग एक हज़ार में ड्रेस वर्दी है गाइस क्योंकि शिफॉन बहुत सॉफ़्ट मटेरियल होता है समर अप्रोप्रिएट होता है तो आप इसको लेयर अप कर सकते हो विंटर सीजन में जैसे बूट्स पहन लिए और आपने ओवर कोट पहन लिया इसके अंदर आपने वार्मर वेयर कर लिया और आप समर्स में तो इसे एग्जैक्टली ऐसे ही वेयर कर सकते हो हील्स वगैरह पे फ्लैट्स पे या हाई प्लेटफॉर्म के कोई भी फ़ुटवेयर पे ये ड्रेस बहुत प्यारी है इसकी जो स्लीव्स का पैटर्न दे रखा है वो बहुत अच्छा लगा मुझे ओवरऑल जो इसका जो एक फ़्लोई पैटर्न है ड्रेस का काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लेयर दे रखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है नेक भी इसका बंद है तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा स्किन शो हो रही है या डीप है तो जिनको इस तरह की ड्रेसेस पसंद है उनको मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी इसमें आपको दो कलर्स और मिल जाएंगे और उसमें मे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फ़र्क हो बट जो सबसे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है ना वो एग्जैक्ट इसमें ही दे रखा है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है यह नैदर मैक्सी ड्रेस इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस पर फ्लोरल प्रिंट दे रखा है बहुत छोटा छोटा फ्लोर फ्लावर्स प्रिंट दे रखा है आगे इसमें फोर बटन्स दे रखे हैं जो कि ओपन होते हैं और छोटा सा नेक है और इस तरीके से इसमें बटन है सिल्वर कलर के जो ओपन होते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस है अच्छा है इसकी शेप भी अच्छी आ रही थी वेयर करने के बाद इसमें भी मैंने अपना साइज लिया है स्मॉल इसके साथ एक बेल्ट आई है जो कि अटैच नहीं है तो साइड में एक एक बेल्ट टूब्स दे रखा है ये इसकी स्लीव्स है जो कि इस तरीके से लास्ट पैंट हो रही है और इसमें भी एक सिंगल बटन की डिटेलिंग दी हुई है ये भी ओपन हो जाता है ओवरऑल ये थोड़ी सी फुल्ड स्लीव वाली मैक्सी ड्रेस है इसमें लाइनिंग दे रखी है पूरी मैक्सी ड्रेस में स्लीव के पार्ट पे नहीं है इसके साथ इस तरीके का एक मास्क भी आया है तो बात करते हैं अगर इसके पहनने के बाद के लुक की तो लुक कुछ इस तरीके का है इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है अंदर पूरे में लाइनिंग है आगे से जो वी शेप का आप नेक देख रहे हो बहुत डीप नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है इसकी स्लीव जो है वो थ्री फोर्थ दे रखी हैं और बिल्कुल एंकल तक मुझे इसका आ रहा है जो लेंथ आया वो एंकल तक आ रही है मेरे इसमें मैंने दो इंच की हील्स पे

आप इसमें अपना ही साइज़ ले सकते हो जो भी आप साइज़ यूजली पहनते हो तो आप वो साइज़ ले सकते हो और इसका जो लुक है वो बहुत परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू साइज़ अगर इसके शेप वगैरह की बात की जाए तो अच्छा है इसकी शेप वगैरह भी अच्छी है मैंने इसे इस तरीके ऐसे एक स्लिंग के साथ पेयर किया है ये स्लिंग भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा ये जूक का है पर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपको ये बैग अच्छा लग रहा है तो बात करते हैं मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है ये कॉर्सेट बेल्ट इस बेल्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट गेम चेंजर है ये बेल्ट सीरियसली ये आगे इसमें जो एक वो दे रखा है क्रॉस वाला पैटर्न लेस का वो बहुत अच्छा लगा मुझे और इसमें पी लेदर का वर्क है पीछे इस तरीके से दे रखा है इसमें इसको आप ऐसे ओपन करोगे और इसको आप क्लोज करोगे पीछे से बैक से इस तरीके से जैसे चिप्पी टाइप होता है उस तरीके से इसमें ओपन हो जाती है और इसे आप खींच के पीछे से बंद करोगे ठीक है और इसकी जो बहुत स्ट्रेचेबिलिटी दे रखी है जो साइड में बेल्ट हैं मैंने इसको एक लॉन्ग शर्ट ड्रेस पे पेयर किया है आप इस शर्ट ड्रेस के नीचे कुछ भी वेयर कर सकते हो चाहे वो लेगिंग हो जीन्स हो शॉर्ट्स हो जिसमें आप कम्फर्टेबल हो और अगर आप इसे एज ऐसा शर्ट ड्रेस वेयर कर सकते हो वो कर सकते हो अंदर एक छोटी शॉर्ट्स डाल के कि अगर हवा चले तो अंदर कुछ ना दिखे टाइप और ये मैंने इस तरह से कार्सेट बेल्ट वेयर की है ये वन साइज़ है ये इतनी स्ट्रेचेबल है कि आ जाएगी आराम से आपको और इससे ना बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है बहुत ही अच्छा लुक ये दे देगी कि आपकी किसी भी ड्रेस को किसी भी वन पीस ड्रेस को चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग और आप कोई शॉर्ट ड्रेस वगैरह पे भी इस तरीके से इसे वेयर कर सकते हो बहुत ही परफेक्ट है मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये आपके वॉड्रॉप में होनी ही चाहिए थ्री एट्टी एट में आपको मिल जाएगी तो बात करते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है ये स्टेप्स वाली ड्रेस ये एक मीडी ड्रेस है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल इसका कलर दे रखा है इसका येलो कलर बहुत ब्राइट नहीं है बहुत डल नहीं है इस पर भी ओवरऑल फ्लोरल प्रिंट है बैक में फ्रंट में और स्लीवस पे स्लीव इसमें स्टेप्स वाली दे रखी हैं और लास्टिक पैटर्न दे रखा है इसमें फ्रंट में और बैक में जो बस्ट एरिया उस पर तो ये आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेचेबल हो स्ट्रैच हो जाएगी अंदर से इसका जो लुक है वो वाइट है और ऊपर से इस तरीके की है इसके फैब्रिक की बात करूँ तो पॉलीस्टर है इसमें मैंने अपना स्मॉल साइज़ मंगाया है तो गाइज इसमें एक साइज़ बिग मंगाना क्योंकि स्मॉल के अकॉर्डिंग जैसे कि मेरा जो साइज़ है वो थर्टी फोर बी है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट महसूस हो रही थी मतलब अनकम्फर्टेबल लग रही थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जो शेप आती है मुझे वो अच्छा नहीं लगता है तो मुझे लगता है अगर मैं इसमें मीडियम लेती तो मुझे ये परफेक्ट आती लेकिन ये जैसे कि इलास्टिक पैटर्न है तो ये बॉडी हगिंग तो होगा पर अगर आप बहुत ज़्यादा आपका अगर फिगर स्मॉल में मैं बोलती हूँ थर्टी टू तक है तो आप स्मॉल ही लेना लेकिन अगर आप थर्टी फोर से बिग साइज़ हो तो आप एक साइज़ बिग ही लेना मैं इसको आपको एक साइज़ बिग लेने के लिए ही रिकमेंड करूँगी अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है काफ़ी कंफर्टेबल है लेंथ इसकी अच्छी है नीज़ को कवर कर रही है आप इसे हील्स के साथ भी पेयर कर सकते हो और इसे किसी भी हाई प्लेटफॉर्म के फुटवेयर के साथ पेयर कर सकते हो इसमें इसका जो प्राइस है फाइव फिफ्टी नाइन है इस टाइम अमेज़ॉन पर और मैंने आपको बोला ही है कि मेगा फैशन डे सेल चल रही है तो गाइस ये बेस्ट टाइम है ओवरऑल ये ड्रेस वैसे काफ़ी क्यूट है और गर्ल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी तो बात करते हैं मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है ये वाली ड्रेस ये जो ड्रेस है इसका जो फैब्रिक है वो लाइकरा दे रखा है इसमें ना इस तरह से बहुत ही शाइनिंग वाली लाइंस पैटर्न है पूरी ड्रेस पे और जो इसका नेक है वो थोड़ा फॉल वाला लुक है इसमें स्लीवलेस है इसमें आ, आपको जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हैं पर स्लीवस नहीं है मतलब कि जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड हैं पर स्लीव्स अटैच नहीं है और ना स्लीव्स इसके साथ आएंगी इस ड्रेस की लेंथ भी अच्छी है ओवरऑल इसकी मैं फैब्रिक की बात करूं तो जैसे कि लाइकरा दे रखा है तो काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने के बाद और आप इसे बूट्स के साथ पेयर कर सकते हो मैंने इसको डबल लेगिंग्स पहनी हुई है मैंने जो विंटर के लिए मैंने दिखाई थी अपने एक हॉल में एक वुलन लेगिंग है और उसी के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्टॉकिंग्स है जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें मैंने अपना स्मॉल साइज़ लिया है जो कोई मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है मतलब प्रॉपर फिट है जिसे कह सकती हूँ मैं अच्छी फिट है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो आई थिंक इसमें दो या तीन कलर और अवेलेबल हैं पर मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा बहुत प्यारा सा पिंक कलर है ज़्यादातर स्किन टोन पर सूट होगा और अगर आप इसमें पब वगैरह जाते हो या किसी पार्टी में या फिर आपका बर्थडे है उसके लिए बहुत अप्रोप्रियट ड्रेस है ये तो आप इसे बूट्स वगैरह डाल सकते हो अगर आप विंटर्स में पहन रहे हो शॉर्ट जैकेट डाल सकते हो लॉन्ग कोट वेयर कर सकते हो उसका अगर आप समर्स में वेयर कर रहे हो तो आप इसे एज इट इज़ वेयर कर सकते हो इस पर कोई भी हील वगैरह वेयर करके ओवरऑल मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को कर सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मेरे पिछला हॉल भी देखना वो भी मैक्सीडेस पर ही है मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्दी तब तक के लिए बाय